वन लाइफ, वन ड्रीम, वन पैशन, ट्रैवलिंग। मनाली से लेह तक का रोड ट्रिप विश्व की सबसे खूबसूरत रोड ट्रिप में से एक है। इसे और भी खास बनाते हैं यहाँ के एडवेंचर भरे रास्ते। कहीं पे 6-6 फुट ऊंची बर्फ है तो कहीं संकरे रास्ते, जहाँ पे कुछ पल के लिए तो आपकी सांसें थम सी जाएंगी। तो इस वीडियो में हम आपको लेके जाएंगे मनाली से लेह लद्दाख के वर्चुअल टूर पे। अगर आप भी लेह लद्दाख जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि वर्चुअल टूर के साथ हम आपको ये बताएंगे कि आप यहाँ पर कैसे आ सकते हो, यहाँ पे विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होगा और यहाँ पे आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो। इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। यहाँ से लद्दाख का सफर शुरू होता है तो दो रास्ते हैं लद्दाख पहुँचने के। या तो आप डायरेक्ट फ्लाइट ले लीजिएगी या फिर हमारी तरह मनाली से शुरू करो, जो कि बहुत लंबा रास्ता है और इस दूरी को आप किसी भी चीज़ बाइक या गाड़ी में आराम से पूरा कर सकते हो। कई लोग कहते हैं कि क्या हमारी गाड़ी लेह लद्दाख जा सकती है, तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, आप लेह लद्दाख का सफ़र किसी भी गाड़ी या बाइक से कर सकते हो। लेकिन कई जगह रास्ते बेहद ही संकरे हैं तो आपको वहाँ बहुत ही केयरफुली ड्राइव करना होगा। पर्सनली हम जब मनाली से लेह की तरफ निकले थे तो हमसे किसी ने कहा था कि मनाली से लेह तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, तो आप भी पेट्रोल की टंकी फुल करवा लेना। हम वाया अटल टनल से होते हुए कैलोन के रास्ते से जिस्पा पहुँचे, जो मनाली से 94 किलोमीटर की दूरी पे था। हमारा फर्स्ट स्टे भी जिस्पा में ही था। वहाँ पे आपको बहुत से कॉटेजेस और होम स्टे मिल जाएंगे, तो पर्सनली आप भी वहाँ पर रुक सकते हो। नेक्स्ट डे हम दारचा से होते हुए बारालाचा पास की ओर बढ़ चले। लगभग 2 घंटे की जर्नी के बाद हम बारालाचा पास पहुंच चुके थे। वहां पे ज़्यादा देर न रुकते हुए हमने हमारी जर्नी कंटिन्यू रखी, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड होने के कारण हमको वहां बेचैनी हो सकती थी, तो आपको भी वहां पे ज़्यादा देर नहीं रुकना है। कुछ देर बाद हम पहुंच चुके थे सरचू, जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख और हिमाचल के बीच का बॉर्डर है, जहाँ पे हमने हमारी गाड़ी के नंबर भी रजिस्टर करवाए थे। और इसके अलावा आप वहाँ पे चाय नाश्ता भी कर सकते हो। नाश्ता वगैरह करने के बाद हम पांग के रास्ते से होते हुए गाटालुप्स पहुँचे, जो नमकीला पास से थोड़ा पहले ही पड़ता है। ये कोई कस्बा नहीं था बल्कि एक जगह थी घुमावदार मोड़ वाली, जो कि बेहद ही खूबसूरत थी। तो हम बात कर लेते हैं परमिट्स की। तो मनाली से लेह तक आने के लिए किसी भी परमिट की ज़रूरी नहीं होती। पहले जब रोहतांग से जाते थे जब परमिट की ज़रूरत होती थी, लेकिन अटल टनल बनने के बाद किसी भी परमिट की ज़रूरत नहीं होती। हम नकीला पास से होते हुए लाचुंगला पास गए। इन 2 दिनों में आप हिमालय के 6 सबसे ऊंचे माउंटेन पासेस से होकर गुजरोगे। सच में यह एक अलग ही अनुभव होगा। लाचुंगला पास से कुछ 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम पांग पहुंचे, जहां पे हमने लंच वगैरह किया और फिर से हमने हमारी जर्नी कंटिन्यू रखी। पांग से कुछ ही दूरी पर पड़ता है लद्दाख का द फेमस मोरे प्लेन्स, जहां कुछ देर पहले आप पहाड़ों के बीच ड्राइव कर रहे थे तो अब आप खुले मैदानों के बीच होंगे, और यही चीज बनाती है लद्दाख को और भी खास। मोरे प्लेन्स को क्रॉस करने के बाद फाइनली आप लेह मनाली हाईवे के लास्ट माउंटेन पासेस तंगलंगला पास पहुंचोगे।
और वहीं से कुछ घंटे की जर्नी के बाद आप पहुंचोगे द लैंड ऑफ आई पासिस लेह लद्दाख में। अगले 5 से 6 दिन आप लेह के कुछ लोकल साइट सीन्स कवर कर सकते हो। लद्दाख घूम रहे हो तो वहाँ की थोड़ी वाइब्स भी तो होनी चाहिए।